अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे कोटिंग ऑफ टैबलेट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत ही डिटेल से डिस्क्राइब कर दिया गया है कि शुगर कोटिंग क्या होती है। ठीक है, पहले बताया कि कोटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, और फिर आपको बताया था कि शुगर कोटिंग, टाइप्स ऑफ कोटिंग में हम शुगर कोटिंग को डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी कोटिंग है वो फिल्म कोटिंग है। शुगर कोटिंग में आपने पढ़ा था कि शुगर कोटिंग के कुछ स्टेप्स थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो वाटर प्रूफिंग कोट आप इम्पार्ट करोगे, नंबर टू उसको सीलिंग कोट भी कहते हैं, नंबर टू सब कोटिंग थी, नंबर थ्री जो है पॉलिश आपकी जो है वो थी फाइनर राउंडिंग। ठीक है, और नंबर फाइव पे आपने जो पढ़ा था वो था पॉलिशिंग। तो आपने पढ़ा कि सब कोटिंग में आप टैबलेट पे 3 to 5 कोट जो है शुगर सॉल्यूशन के इम्पार्ट करते हो, और फिर आपने उससे जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें आपने पढ़ा कि आप जिसमें राउंडिंग और स्मूदिंग देते हैं टैबलेट को स्टेप, उस टैबलेट उसमें वक्त आप तकरीबन 5 to 10 जो है और कोर्स भी आप उसके ऊपर इम्पार्ट करते हो। मीन के टोटल अगर देखें तो आपकी जो टैबलेट होगी जिस पर शुगर कोटिंग की गई है उसमें तकरीबन 8 से 15 तक कोट हो सकते हैं। तो इतने ज़्यादा कोटिंग की वजह से जो आपकी शुगर कोटिंग होगी उसमें टैबलेट जिस पे आपने शुगर कोटिंग की होगी वो बल्की हो जाएगी, उसका जो वेट है टैबलेट का, टैबलेट क्या हो जाएगी? बल्की। नंबर टू, क्योंकि ये प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज टू प्रॉब्लम्स शुगर कोटिंग में जो आएंगे, के मीन के बल्कि टैबलेट बन जाएगी और टाइम कंज्यूमिंग होगी, और नंबर थ्री भी है जो कि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, वो है क्रैकिंग। नंबर थ्री क्या है? क्रैकिंग। क्रैकिंग जो है, क्योंकि टैबलेट्स आपकी शुगर कोटिंग बल्कि होगी, ठीक है, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टैबलेट बल्कि होने की वजह से उसमें क्रैक्स, दराड़ें पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा कोट आने की। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे आपकी ये क्लास है, इसके अगर वॉल्स को आप ऐसे पेंट से कोट करें जिसमें आप बहुत सारी उसकी कोटिंग्स दे दें तो वो जल्दी उतर जाती है, जल्दी रगड़ आएगी या उस पर कोई एब्रेशन होगी तो वो जल्दी क्रैक हो जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू वो कि समूथ सी आपने एक दो कोटिंग दिया है जो उसको छुपा रही है वॉल को। तो जो टैबलेट बल्कि होगी तो उसकी क्रैकिंग भी हो सकती है। तो इन तीन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इन तीन डिसएडवांटेज को शुगर कोटिंग के दूर करने के लिए हम टैबलेट पे एक और पॉलीमर मटेरियल की जो है थिन सी प्लास्टिक सी लेयर कोट करते हैं, उसको आप फिल्म कोटिंग टैबलेट कहते हैं। फिल्म कोटिंग टैबलेट में हम क्या करते हैं कि हम किस पॉलीमर्स जैसे हैं, कार्नोबा वैक्स है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है या सेलुलोज है, उस मटेरियल को वाटर में ऐड करते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में आएगी और उसको फिर इस सॉल्यूशन को आप स्प्रे करेंगे टैबलेट्स पे जिन पे आपने फिल्म कोटिंग करनी है। ये जो स्प्रे कोटिंग है, ये जब स्प्रे करेंगे उसके बाद आप टैबलेट्स की ड्राइंग करेंगे तो आपके पास एक थिन लेयर ऑफ पॉलीमर की कोटिंग टैबलेट पे हो जाएगी, उसको आप कहेंगे फिल्म कोटेड टैबलेट्स। ठीक है, ये जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं ये क्यों बनाई जाती हैं? ताकि वो बल्कि ना हो, ये प्रोसेस इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और इसमें क्रैकिंग जो प्रॉब्लम है वो भी आपका ओवरकम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कोटिंग की टाइप है वो है एंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स। कौन सी हैं? एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं आपकी, वो कोटिंग है टैबलेट्स की, वो टैबलेट्स जिनको आप चाहते हैं कि वो स्टमक में आपकी अब्जॉर्ब ना हो बल्कि इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो, स्टमक से एज इट इज़ पास हो जाएं, बिल्कुल वैसे ही पास हो जाएं स्टमक से और इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो। एक्चुअली ये जो टैबलेट्स होती हैं इनके इंग्रेडिएंट ऐसे होंगे जो स्टमक की पीएच पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूस है या इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जो स्टमक का है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसलिए। और दूसरा, वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, स्टमक में उन्होंने एब्जॉर्ब होना भी नहीं था
तो ऐसी टैबलेट्स को, ऐसे इंग्रेडिएंट, ऐसी टैबलेट्स पे हम एक सेपरेट टाइप की कोटिंग करते हैं, उसको एंटेरिक कहते हैं। एंटेरिक आप नेम से याद रखें, एंटेरिक का वर्ड जो है वो गैस्ट्रिक GIT के लिए यूज़ होता है, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए। तो ऐसी टैबलेट्स पे हम कौन से मटेरियल की कोटिंग करेंगे? शैलिक और शैलिक डेरिवेटिव्स की, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल फिथैलेट एज अ कोटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट फिथैलेट यूज़ करते हैं, या नंबर 4 पे क्या है आपके पास? सेलुलोज एसीटेट फिथैलेट। ठीक है, ये कोटिंग मटेरियल आपका इन सारे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो एयर सस्पेंशन कोटिंग है। कौन सी है? कोटिंग, एयर सस्पेंशन कोटिंग जो है ये कोटिंग की वो टाइप है जिसका नेम से जैसे जाहिर है। इस मेथड में एयर सस्पेंशन कोटिंग, ये कोटिंग टैबलेट्स को उसके मेथड ऑफ कोटिंग की बेस पे दिया गया है कि जिस मेथड से आप कोटिंग करते हैं उस मेथड के नेम पे इसको एयर सस्पेंशन कोटिंग कहा गया। इसमें होता क्या है कि आप टैबलेट्स को टैबलेटिंग मशीन में रखोगे जिन पे कोटिंग करनी है, और उस टैबलेटिंग मशीन के बॉटम या लोअर पार्ट से आप हॉट एयर पास करोगे, हॉट एयर गर्म हवा। ठीक है, जैसे ही हॉट एयर पास होगी तो ये टैबलेट्स जो हैं उस इक्विपमेंट में टैबलेटिंग मशीन में ऐसे महसूस होंगी कि ये हवा में सस्पेंड हुई हुई हैं, हवा में लटकी हुई हैं, और ये गोल गोल घूम भी रही होंगी, रोटेटिंग होंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि हॉट एयर जब पास करेंगे टैबलेट से तो वो रोटेट भी करेंगी और एयर में सस्पेंडेड होंगी, और उन पर एक कोटिंग मटेरियल जो है वो इम्पार्ट हो जाएगा। इस कोटिंग मेथड को एयर सस्पेंशन को मेथड कहते हैं, और कोटिंग को आप क्या कहेंगे? एयर सस्पेंशन कोटिंग। ठीक है, एयर सस्पेंशन कोटिंग के बाद नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है कोटिंग की वो है कंप्रेशन कोटिंग। आपने पढ़ा था कि टैबलेट्स जो है मोस्टली वो कंप्रेशन मेथड से बनती हैं, तो ये मेथड ऐसा होगा जिसमें प्रीली कंप्रेस जो टैबलेट्स होंगी वो टैबलेट्स जो पहले ही कंप्रेशन मेथड से बनी है उनके ऊपर आप सिंपली जो कोटिंग मटेरियल होगा उसको कंप्रेस कर दोगे या प्रेस कर दोगे और टैबलेट पे कोट आ जाएगा, ऐसी कोटिंग को आप कंप्रेशन कोटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास कोटिंग है वो डीप कोटिंग है। कौन सी है? डीप कोटिंग। ये सिंपली डीप कोटिंग जो है इसकी एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं कि जिस तरह डीप कोटिंग की एग्जांपल पकोड़े बनाए हैं कभी किसी ने? ठीक है, तो उसमें आप बैटर के अंदर जो आपके पास मटेरियल होता है आलू वगैरह पोटैटोस उनको डिप करते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर एक कोट आ जाता है। अपने जहन में आप डिप कोटिंग को उससे रिजेंबल कर सकते हैं। डिप कोटिंग में होता क्या है कि आप टैबलेट्स को बास्केट में रखते हो और उसके बाद जो आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म में कोटिंग मटेरियल होता है उसके अंदर टैबलेट्स को डिप कर देते हो, उस तरह टैबलेट्स पे कोटिंग आ जाती है, उसको आप डिप कोटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो कोटिंग की टाइप है वो है जेलेटिन कोटिंग। आपको पता है कि टैबलेट्स के बाद जो नेक्स्ट सॉलिड डोजेज फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैप्सूल। कैप्सूल जो है ये वो यूनिट डोजेज सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जो जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो हैं वो आपके एक जेलेटिन के कोर में या शेल में इनक्लोज होते हैं। तो कुछ आपकी कोटिंग जो है इन टैबलेट्स पे आपकी वो कोटिंग होगी जो आप कैप्सूल वाला वो जेलेटिन शेल टैबलेट्स पे कोट कर दोगे, ऐसी टैबलेट्स को आप जेलेटिन कोटिंग कहेंगे। ये टैबलेट्स हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो जेलेटिन होता है वो एक सॉफ्ट सा मटेरियल है जिस जो आपकी सॉल्विंग को ईजी कर देता है। ठीक है, तो मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है पेशेंट में वो ईजी हो जाती है। तो जेलेटिन कोटिंग को आप दूसरा नाम भी देते हो, क्या नाम है उसका? हाँ, जो आपके पास टैबलेट जिन पे जेलेटिन कोटिंग होगी उनको आप जेल कैप्स भी कहते हो, जेल कैप्स। नेक्स्ट आपके पास कोटिंग है इलेक्ट्रोस्टेटिक कोटिंग। इलेक्ट्रोस्टेटिक कोटिंग जो है ये इलेक्ट्रोस्टेटिक कोटिंग, इलेक्ट्रो का लफ्ज जब भी यूज होता है आपके जहन में आइंस आते, ठीक है, चार्ज आता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग को आप इसके नेम से याद कर सकते हैं कि इस पे हम किसी चार्ज की कोटिंग करेंगे। जो आपके पास कोटिंग मटेरियल होगा वो चार्ज होगा। अब आपको चार्ज पता है, या चार्ज आइधर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, आइधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो होता क्या है कि आप टैबलेट्स को अपोजिट चार्ज देते हैं और कोटिंग को अपोजिट चार्ज देते हैं। आई मीन कि अगर टैबलेट्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो आपका कोटिंग मटेरियल जो होगा उस पर आप नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट करोगे। तो आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव चार्ज जो है कोटिंग टैबलेट का वो नेगेटिव चार्ज कोटिंग वाले को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह टैबलेट पे कोटिंग इम्पार्ट हो जाएगी। इस तरह की जो कोटिंग होगी उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? उसके बाद है लैमिनेटेड कोटिंग। लास्ट जो लैमिना है इसका मतलब है लेयर। ये इस टाइप की कोटिंग होगी कि जिसमें आप टैबलेट पे कोटिंग की लेयर्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हैं, तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आपकी, मैंने कहा कि वो एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन में, लेकिन जब आप उसके ऊपर लैमिना एक ऐसे मटेरियल का दे दोगे कि जिसके एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी हो सकती है, तो वो टैबलेट्स टू इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी कि उसमें एक लेयर जो है आपकी कोटिंग की वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी और सेकेंड वन इंटेस्टाइन, ठीक है।